नमस्कार दोस्तों, आज हम होम्योपैथी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। ये औषधि है यूपिटोरियम पर्फ। यूपिटोरियम पर्फ होम्योपैथी की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि होती है। यह रोगी में विशेष रूप से एक्यूट यानी नए बुखार जैसे वायरल बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया के साथ ही बुखार की वजह से उत्पन्न शरीर की हड्डियों के टूटने के भयंकर दर्द के लिए भी रामबाण औषधि होती है। इन्फ्लुएंजा महामारी में भी यह औषधि जबरदस्त तरीके से प्रभावी है। यह औषधि हमारे शरीर के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का कार्य भी करती है। इस औषधि को आप सभी को अपने घरों पर अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। यूपिटोरियम पर्फ छींक, पुरानी खांसी, जुकाम, बिलियस फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, हड्डियों का दर्द, सिर दर्द, रूमेटिज्म एवं चक्कर आना इत्यादि रोग एवं उनके लक्षणों में लाभप्रद होती है। यूपिटोरियम पर्फ हमारे शरीर में मुख्य रूप से गैस्ट्रोहिपेटिक ऑर्गन्स एवं ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन और फाइबरस टिश्यूज पर कार्य करती है। प्रातःकाल गले का बैठना, छाती को पकड़कर खांसना एवं छाती के दर्द में भी आराम देती है। बुखार के कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में कफ बनने लगता है और खांसी आने लगती है। यह औषधि फेफड़ों की सूजन, बुखार एवं खांसी को भी ठीक करती है। यह औषधि मांसपेशियों, हड्डियों के दर्द को ठीक करती है। यदि यह दर्द किसी प्रकार के बुखार के कारण हो तो यह दवाई दर्द के साथ बुखार को भी ठीक करती है। एक्यूट बुखारों एवं उससे संबंधित सभी समस्याओं पर यह औषधि हमेशा भारी पड़ती है। नेत्र गोलक की तकलीफ में भी यह औषधि बहुत ही कारगर होती है। यदि किसी भी रोग के कारण लीवर में सूजन आ जाए तो यह औषधि उसे भी ठीक कर सकती है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों जैसे तीव्र सिरदर्द एवं आंखें लाल होना, बुखार के साथ सिरदर्द और चक्कर आना, बुखार आने पर होंठों के कॉर्नर यानी कोनों पर फोड़ा या फुंसी हो जाना, लीवर में सूजन एवं पित्त की उल्टी होना, बार बार प्यास लगना, जीभ में पीली परत जमना, सर्दी जुकाम एवं फेफड़ों में कफ जमा होने के कारण खांसी आना, किसी भी प्रकार के बुखार में बदन दर्द एवं सिर दर्द होना, कमर दर्द, हाथ पैर में दर्द एवं जोड़ों का दर्द होना इत्यादि पर भी कारगर होती है। तीन विशेषताएं विशेष रूप से सामने आती हैं। सर्दी लगने का समय प्रातः 7 से 9 बजे। सर्दी से पहले हड्डियों में तीव्र दर्द होता है। सर्दी और गर्मी के बीच पित्त की उल्टी होती है। रोग में वृद्धि एवं कमी। इस औषधि के रोगी में देखा गया है कि उसके रोग में एक निश्चित समयांतराल एवं खुली हवा में जाने से रोग में वृद्धि देखने को मिलती है, जबकि वार्तालाप करने से हाथ और घुटनों से पसीना आने पर रोग में कमी आती है। खुराक एवं शक्ति। यूपिटोरियम पर्फ डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हफ्ते में मात्र एक बार 200 पोटेंसी में यह औषधि तब तक लेनी चाहिए जब तक कि आस पड़ोस से यह बीमारी 9-2-11 ना हो जाए। यदि आप डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल एवं अन्य किसी भी बुखार से ग्रसित हो गए हैं तो यूपिटोरियम पर्फ 30 की मात्रा 2 बूंद प्रत्येक घंटे में तब तक लेते रहें जब तक बुखार उतर ना जाए। उसके पश्चात इसकी 2 बूंद दिन में 3 बार 1 सप्ताह तक लें। इससे आपका बुखार पूरी तरह से उतर जाएगा। यदि आपको पहले कभी चिकनगुनिया एवं डेंगू बुखार हो चुका है और दर्द अभी तक बना हुआ है तो यूपिटोरियम पर्फ 200 की 2 बूंद दिन में 3 बार 1 महीने तक लें। आपका दर्द 9-2-11 हो जाएगा। यदि आपको बुखार के साथ सर्दी खांसी की समस्या है तो यूपिटोरियम पर्फ 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार लें। यदि आपका लीवर बढ़ गया है, उसमें सूजन आ गई है, बुखार के कारण पित्त की समस्या उत्पन्न हो गई है तो यूपिटोरियम पर्फ की 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार 1 सप्ताह तक लें।
आपके लीवर की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।